चुलचुल सिम सिम तेरी ऐसी तैसी, ठीक है। तो ये रहा भाई देखो। हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग, क्या हाल है आप सबका। तो हमारे साथ हमारे ट्रम्प भाई दोबारा आ चुके हैं, मतलब हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ है और हमारा फ्रैंकलिन भाई हमारे साथ है। तो आज के व्लॉग में भाई, अभी अभी हमारे जो ट्रम्प पाजी है भाई, देखो अभी प्लेन से आए हैं। ये इनका प्राइवेट प्लेन है, आप देख लो भाई। वाह भाई, क्या प्राइवेट प्लेन है। फ्रैंकलिन भाई चला के आया भाई इस प्लेन को, तो बिल्कुल मज़ा तो आना ही था। तुम्हें पता है फ्रैंकलिन भाई के साथ कुछ ज़्यादा ही रहने लग गया हमारे ट्रम्प पाजी। और शहर में भाई लॉकडाउन की कुछ मीटिंग के चक्कर में अभी आए हैं, नहीं तो कहीं गए हुए थे बाहर किसी मीटिंग के। तो शहर में लॉकडाउन की मीटिंग के लिए कुछ मीटिंग और भी बैठे होंगे। तो आज हम दिखाएंगे आपको इनका व्हाइट हाउस, जो आप कह रहे थे भाई व्हाइट हाउस दिखाओ ट्रम्प पाजी का, जहाँ पे मीटिंग वगैरह चलती है इनकी। तो आज वहाँ पे जाएंगे हम, जल्दी पहुँच जाएंगे ताकि मीटिंग से पहले पहुँच जाए, मैं तुम्हें दिखा पाऊँ। और ये इनकी पर्सनल गाड़ी है। तो भाई इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का, तो प्लीज़ कंप्लीट करा दिएगा भाई। और चैनल में जो जो नया है जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दो वीडियो को। तो आ जाओ भाई फ्रैंकलिन, देख प्लेन तू चला के लाया, गाड़ी मैं चलाऊंगा, क्योंकि शहर में तुझे पता ही अभी ऐसे तो कोई होगा नहीं, हम ही चलेंगे। तो फ्रैंकलिन भाई चल, आ जा बैठ जा, गाड़ी मैं चलाऊंगा, तूने प्लेन चला लिया, थक गया होगा तू भी। तो वो मानते भाई हमारे फ्रैंकलिन भाई को, हमारे ट्रम्प पाजी। आ जा, तो आपको तो पता ही भाई बर्थडे पे क्या मजे कर रहे थे आए थे। और ये इनकी लिमोजिन भाई, मैं बेटे, और पीछे का बिल्कुल बंद कर रखा ताकि कोई देख ना पाए। बाकी गाड़ी तो बहुत तगड़ी है इसकी, जल्दी भाई दूसरी नंबर प्लेट जो इसका चेंज होने वाली है। तो चलो चलते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस साइड से जाना है, एक मिनट मैं मार्क लगा लूँ। भाई हमारे ट्रम्प पाजी गाड़ी चलाने लग गया, क्योंकि इन्हें पसंद है भाई काफ़ी गाड़ी चलाना। तो हमारा फ्रैंकलिन के भी सही मज़े हैं भाई, देखो आराम से बैठा हुआ है ट्रम्प पाजी के साथ। निकलना कहाँ से है वो भाई, बिल्कुल देखो कैसे स्टाइल में चला रहे हैं ट्रम्प पाजी। तो इनकी ये पर्सनल लिमोजिन, आप सोच रहे भाई कोई दूसरी वाली लें क्यों, VIP वाली अलग। भाई रास्ता कहाँ है, अच्छा ये रहा भाई रास्ता, गलत आ गए थे हमें, मतलब चलो कोई नहीं, गलत आ गए थे, अब तो पता ही हमें कहाँ से जाना है। तो गाड़ी भाई अलग ही गाड़ी है, अब क्या करें, अब चेंज करानी पड़ेगी, दिक्कत आ रही है इस गाड़ी में भी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत पहले से चला रहे हैं भाई ये। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई अब तो चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि मन भर गया इनका भी इन गाड़ी में घूम घूम के। प्रेसिडेंट है भाई, एक ही गाड़ी में कब तक घूमेंगे। तो नई बुलेट प्रूफ गाड़ी इनकी बहुत ही जल्दी आएगी, हमारा फ्रैंकलिन भाई लेके आएगा, फ्रैंकलिन लेके आएगा ना। हाँ, तो हमारे ट्रम्प आज बिल्कुल खुश हैं, शहर में बिल्कुल लॉकडाउन का हो ही चुका, मतलब आज तो बंद ही कर दिया, क्योंकि लोगों को कहा है भाई अभी बाहर निकले तो बेटा पिटोगे तुम बहुत गंदे। वैसे जो है निकल जा रहे हैं, अभी पक्का वाला श्योर नहीं हुआ कि लॉकडाउन होएगा अभी या नहीं, वैसे खाली वैसी है, लोगों को भी डर है कि भाई यहाँ पे दिक्कत हो रखी है तो नहीं निकलेंगे ज़्यादा हम बाहर। ये इसी रोड से, ये हमारा भाई मेरी यहाँ पे तुम्हें पता ही होगा, यहाँ पे चोरों को रखते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम था। तो चलो क्या हुआ, सेब खाओगे सर जी, ला यार। वैसे तुमने दुकान कैसे खोल रखी है बे। हाँ चल ठीक है, तो भाई सेब सूब ले रहे हैं हमारे ट्रम्प पाजी, खाएंगे बैठ के। अब जल्दी पहुँच जाएँ वहाँ पे, जाके आपको हम व्हाइट हाउस दिखाने वाले हैं भाई, जो व्हाइट हाउस अंदर जहाँ पे मीटिंग करेंगे हमारे सर, यहाँ पे मीटिंग करते हैं हमारे ट्रम्प पाजी। और देखो आप देख ही सकते हो पूरी जगह सन्नाटा ही है वैसे इतना, पर फिर भी 3-4 हरामी हैं वो निकल जाते हैं, तो उन्हें भी हम जल्दी बंद करवा देंगे। तो भाइयों ये देखो, ये हमारी पहाड़ी में पहुँच चुके हैं हमारे ट्रम्प पाजी, बस कुछ ही पलों में पहुँच जाएंगे। ओ भाई साहब, तो अच्छा रोड रूड बन रहा है भाई, इसलिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है। मैं सोचा पता नहीं यहाँ बंदे खड़े कैसे हैं, क्या हो रखा है। ठीक है, रोड बन रहा है पीछे, वो रोड का काम चालू है, क्योंकि भाई यहाँ पे रोड भी अच्छे बनाने चाहिए भैया, पहाड़ी इलाका है, गाड़ी स्लिप नहीं होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ से निकल चुके हैं भैया, धीरे चलाओ, हमारे ट्रम्प पाजी मान नहीं रहे हैं, अरे भगा हुआ यार, मैं बड़े दिनों बाद तो मेरे को गाड़ी मिलती है। ओहो चलो कोई नहीं पाजी, गाड़ी मिल गई, अब दिक्कत मत लो तुम। चलो यहाँ से हमें ऊपर जाना है, और अपने व्हाइट हाउस के बहुत ही करीब है हम, तो मेरे पास वहाँ से फ़ोन आ चुका है ट्रम्प पाजी को कि कितनी देर में पहुँच जाओगे। तो ओ भाई ठीक है, ओके, पुलिस वगैरह खड़ी है भाई हमारे लिए यहाँ पूरी स्वागत करने के लिए, क्या हाल है लोंडो। ठीक है ऊपर फ़ोन कर दो, गाड़ी आ रही है भाई, हैरान हो गए बंदे देख के कि भाई ट्रम्प पाजी गाड़ी चला रहे हैं। तो भाई सायरन बजा दिया है और हमारे सारे बंदे अलर्ट हो चुके हैं कि हम आ चुके हैं, देख ही सकते हो आप। ओ भाई सिक्योरिटी तगड़ी है भाई, फ्रैंकलिन ने कहा था कि सिक्योरिटी मैं अरेंज करवाऊंगा भाई, और इन्होंने पहले ही बोल दिया था फ्रैंकलिन ने कि भाई आ रहे हैं तो सब कुछ मामला अच्छी तरह करना। तो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है भाई, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब मीटिंग कर लेंगे, पूरा फैसला ले लेंगे भाई करना क्या है। ओहो देखो यहाँ भी बंदे खड़े कर रखे हैं अपने, अलग सी गाड़ियाँ भी खड़ी कर रखी है कि अलग से भाई हमारी आराम से गाड़ी निकल जाए, कोई आलतू फालतू गाड़ी ना आ पाए यहाँ पे, देख ही सकते हो आप। और ये हमारे स्टाफ के मेंबर देख सकते हो सारे खड़े हैं, इनको पता चल गया PM आ रहे हैं। ओ भाई क्या हाल लोंडो, सही है ना मज़े में। चलो ठीक है, फ्रैंकलिन भाई कह रहे हैं उन्हें कहीं जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाकर रुक सकता है, तो
कोई नहीं, चले जाइए, सिक्योरिटी है, मानता नहीं है, मतलब अपना दोस्त जैसे मान रखा भाई ने, तो हमारे हमारे ट्रम्प पाजी ने। चलो ओ भाई ये हम पहुंच गए। अरे ओ हरामियों क्या कर रहे हो, ये आ गई भाई गाड़ी, ये आज तो हम आपको दिखाएंगे। आ जा भाई, ये देखो आप देख सकते हो भाई, ये सामने भी पूरा स्टाफ खड़ा है अपना, और यहाँ पे कुछ दुर्घटना ना हो जाए तो हमने ये बंदे खड़े कर रखे हैं। ये देखो, ओ भाई ये देखो पूरी सिक्योरिटी मतलब कर रखी। आ जा फ्रैंकलिन, यहाँ से हमारी एंट्री होती है अभी, तो और गाड़ी आ जाएगी, बाकी मेंबर भी आ जाएंगे, और हमारे आधे बॉडी गार्ड तो आए नहीं अभी, वो पहुँचते होंगे अभी। फ्रैंकलिन था तो मैंने कहा कोई नहीं तुम आराम से आ जाओ, और यहाँ से कुछ हमारी एंट्री होती है। ओ भाई साहब, ये रहा अपना व्हाइट हाउस, और ये सारे बंदे खड़े हैं। क्या हाल है, बढ़िया है, मज़े में सर हैं, घर में बीवी बच्चे बढ़िया, चल सही अच्छी बात है। और तू सुना भाई, और भाई हम हेलीकॉप्टर में भी आ सकते थे, अगर आप बोलो हेलीपैड का ये तो यहाँ पे तुम आए क्यों नहीं, हेलीकॉप्टर में आ सकते थे, पर अपना हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया। ठीक है, अच्छी तरह काम कुम चल रहा है, पैसे पूसे मैं दिला दूँगा, तुम दिक्कत मत लो, तुम्हारा काम मेरे को पता है, तुम्हारा काम करवाने, और यहाँ बंदे खड़े हुए हैं अपने। तो ये हमारा फ्रैंकलिन आता हुआ पीछे से, और हमारे ट्रम्प पाजी जा रहे हैं, और ना भाई राम 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 भाई राम राम, हमारे भाई इंडिया से सीख के राम राम आए हमारे पाजी। और लौंडे क्या हाल है, ठीक है, और घर में बीवी बच्चे बढ़िया, एफआईबी वाले, चल बढ़िया है, कट्टे लेकर अच्छी तरह खड़ा है। अरे क्या हाल है लोंडो, ठीक हो, मज़े में, तुम दोनों बड़े अच्छे लगते हो मुझे, सैल्यूट तुम अलग ही तरीके से करते हो, चल मेरे साथ डांस करेगा, ये ले आ जा। अरे आ जा कर ले यार, तू अपना ही है, फ्रैंकलिन तू करेगा मेरे साथ डांस यार, ये तो डांस कर ही नहीं रहे। बल्ले बल्ले सावा सावा, बल्ले बल्ले सावा सावा, पहले बाहर से दिखा देते, अंदर जाके तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। आ जाओ, तो ये है अपना इलाका, आपने आगे से तो देख लिया, यहाँ भी बॉडीगार्ड खड़े हैं अपने, और यहाँ से हम ऊपर की साइड जाते हैं, यहाँ भी बॉडीगार्ड खड़ा ही होगा अपना। देखो भाई, ओ भाई साहब एक मिनट, पहले मैं आपको ड्रोन छोड़ दे दूँ भाई यहाँ का। ये देखो ये रहा इलाका अपना, देखो वहाँ भी पुलिस है, मतलब तो पूरी पुलिस ही पुलिस है भाई इलाके में। ओ भाई साहब यहाँ हमारा हेलीपैड, और ये रहा अपना वाइट हाउस, और देखो भाई छत पे भी मतलब बॉडीगार्ड लगा रखे हमने, तुम्हें पता भाई हमारे पीएम को खतरा बहुत रहता है इन गुंडों से, तो इसलिए हमने हेलीपैड वो बॉडीगार्ड वगैरह हर जगह लगा रखा है। आ जा फ्रैंकलिन, और अपनी जगह तो बड़ी मस्त है यार, व्हाइट हाउस, मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई व्हाइट हाउस दिखा, व्हाइट हाउस दिखा, तो व्हाइट हाउस दिखाने लग रहा है, टूर देंगे तुम्हें व्हाइट हाउस का, कि थोड़ा बहुत ही दे पाएंगे आज तो, क्योंकि मीटिंग है भाई हमारे भाई की, तो भाई मीटिंग में भी जाना, मीटिंग भी करनी पड़ेगी। ये पीछे का इलाका है कुछ, आप देख सकते हो, और यहाँ से कुछ आया दृश्य दिखता भैया, यहाँ से ये ख़राब हो चुका है, ये टेलीस्कोप ख़राब हो गया भैया पता नहीं क्यों, और कह रहा पैसे नहीं हमारे पास, भाई पीएम है मैं आके, भूल जाते हो पैसे नहीं है, क्या बात कर रहे हो, यहाँ से ये इलाका बंद कर रखा हमने। आ जा भाई, अब तुम्हें अंदर का हिसाब दिखाते भाई, यहाँ पे अंदर का हिसाब क्या है हमारा, भाई ट्रम्प आज मतलब पूरे फिट है, दौड़ रहे हैं, और क्या हाल है, बढ़िया सब, अच्छा यहाँ से भी दिखाते क्या, आ जा चल दिखाई देते हैं। तो ये सीढ़ी जाती है भाई अपने ऊपर की साइड, और यहाँ भी बंदे होंगे ही मेरे ख्याल से, तो ये देखो ये रे भाई जो मैं कह रहा था, यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, ये क्या है, अच्छा ठीक है, ये हमारा टेलीस्कोप है जहाँ से ये देखते हैं, और स्नाइपर लेके खड़े कर रखे हैं मैंने ये बंदे, क्योंकि भाई ऊपर के वो कहीं से भी लोग, तुम्हें पता है बहुत, तुमने देखा भी होगा कि भाई मारने लग जाते हैं, यहाँ पे देखो मशीन गन ऑटोमेटिक वाली, की कोई देखे तो ताक की चिकी हो जाए, तो इसी बात पे हमने रख रखा है। आ जाओ नीचे उतरते और तुम्हें दिखाते हैं, यार यहाँ से खुद हो क्या, डर नहीं लगता ट्रंपा जी, और बॉडीगार्ड सब बढ़िया है, हाँ दे दूँगा, देखो तेरे $100 मुझे पता, तेरी बीड़ी पी ली थी मैंने, तेरे $100 लेके, चल कोई नहीं। आ जा फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तू अंदर कहाँ आएगा, एक काम करता हूँ मैं अंदर से आता हूँ, अरे सॉरी सॉरी मेरे भाई, सॉरी सॉरी, क्या हाल है, हाँ बेटा गुस्से में मत देख, ट्रम्प है वो प्राइम मिनिस्टर को ऐसे देखेगा। तो भाई यहाँ से हम जाते हैं अंदर, तो ये रहा भाई हमारे अंदर का दृश्य, हमारा फ्रैंकलिन भारी है, उसने कहा कोई नहीं तुम जाओ यार, तो यहाँ हम खाते भाई ये सेब सूब खा लेते हैं लिटिल बिट, और यहाँ सो भी जाता हूँ मैं कभी कभी, और ये हमारे पूर्वज कुछ, ये देखो उनकी फ़ोटो दिख ही सकती है आपको, और यहाँ मेरी स्क्रीन, अगर हम कहीं किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करनी हो तो मैं यहाँ से बैठ के कर लेता हूँ, यहाँ बैठ के, और यहाँ पे जैसे किसी को कोई दिक्कत हो हमारे उसी में, तो यहाँ पे हम बैठ के यूँ बैठ जाते हैं, कुर्सी हमारे पीएम का पर्सनल टेबल है। और एक और रूम दिखा दूँ तो मैं इनको, ये सीक्रेट रूम है, यहाँ पे पासवर्ड लग के डलता मैं डाल दूँ, खुल जा सिम सिम तेरी ऐसी तैसी, ठीक है। तो ये रहा भाई देखो, अब तुम्हें पासवर्ड पता चल गया, कोई नहीं तुम नहीं आ पाओगे, फिर भी मैंने अलग से पासवर्ड चेंज कर दूँगा। तो ये रहा अपना देखो, जहाँ एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी हो तो यहाँ पे हमारे बंदे काम कुम भी करते हैं यहाँ पे आके। ओ भाई साहब, ये हमारा इस बाहर का दिख रहा है दृश्य,
और रीड दिस बुक टुडे, कौन सी बुक पढ़ूँ भैया? अच्छा ये वाली क्या, ठीक है। और ये भी हमारा काम का ही मतलब जो हम सोच रहे थे। और बंदे कुछ ही पलों में आते होंगे भाई यहाँ पे कि हमसे मीटिंग करने, तो हम उन्हीं से उन्हीं का वेट करेंगे अभी यहाँ बैठ के और मीटिंग करेंगे कि भाई करना क्या आखिरकार। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो भाई देखो आपने व्हाइट हाउस देख ही लिया कि अंदर होता क्या है। तो ऐसे ही हमारे ट्रंप आ जाएंगे अगले व्लॉग में, जब लॉकडाउन अगर ये चालू कर देंगे तो मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई यहाँ का मामला कैसा है। और फिर उसके बाद हमारा जैसी फ्रैंकलिन छोड़ के आएगा और देहाती भाऊ भी हमारे, उस व्लॉग में आपको दिखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा आप सबको आज का व्लॉग जरूर बताना यार कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर देना। तो ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए हमारे इस चैनल के।